नमस्कार मित्रों, आजकल कोरोना के साथ साथ एक और रोग ने दस्तक दी है जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। इस रोग का मोर्टेलिटी रेट लगभग 50% है। ये रोग फंगस से फैलता है और वह हमारे आसपास के वातावरण में ही पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इस रोग के बारे में, जिससे आप अपना, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रख सके और फेक न्यूज से गुमराह ना हो। म्यूकरमाइकोसिस, पहले जीगोमाइकोसिस कहा जाता था, एक गंभीर लेकिन दुर्लभ प्रकार का फंगल संक्रमण है जो बलगम के कारण होता है। आमतौर पर म्यूकर, राइजोपस, एब्सिडिया और कनिंगमिला ऐसी 11 फंगस के समूह को बलगम कहा जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती है। इस बीमारी में अक्सर रक्त वाहिकाओं में फंगस का संक्रमण बढ़ता है, जिसे हाइफे कहा जाता है। मधुमेह गंभीर रूप से प्रतिरक्षित व्यक्तियों, लो इम्यून सिस्टम में संभावित रूप से जानलेवा हो सकती है। फंगस अक्सर साइनस, मस्तिष्क या फेफड़ों को संक्रमित करता है, जबकि नाक, आंख या मस्तिष्क का संक्रमण सबसे आम रूप है। शरीर के अन्य क्षेत्रों जैसे कि जठरांत्र संबंधी मार्ग, त्वचा और अन्य अंग प्रणालियों को भी संक्रमित कर सकता है। दुर्लभ मामलों में मैक्सिला भी इससे प्रभावित हो सकता है। कई प्रमुख संकेत हैं जो म्यूकर माइकोसिस की ओर इशारा करते हैं। इस तरह का एक संकेत रक्त वाहिकाओं में फंगल आक्रमण है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण रक्त के थक्के और आसपास के टिश्यू की मृत्यु हो जाती है। यदि इस बीमारी में मस्तिष्क शामिल है तो लक्षणों में आँखों के पीछे एक तरफा सिर दर्द, चेहरे का दर्द, बुखार, नाक की भीड़ शामिल हो सकती है जो काले निर्वहन और तीव्र साइनसिस के साथ साथ आंखों में सूजन के कारण होती है। प्रभावित त्वचा संक्रमण के शुरुआती चरणों के दौरान अपेक्षाकृत सामान्य दिखाई दे सकती है। टिश्यू की मृत्यु के कारण काली होने से पहले यह त्वचा जल्दी लाल हो जाती है और सूज जाती है। दूसरे लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई और लगातार खांसी शामिल हो सकती है। टिश्यू की मृत्यु के मामलों में लक्षणों में मतली और उल्टी, खून की खांसी और पेट में दर्द शामिल है। म्यूकरमाइकोसिस रोग के लिए प्रमुख कारण में एचआईवी एड्स, अनियंत्रित मधुमेह मिलेटस, कैंसर जैसे लिम्फोमा, किडनी की विफलता, अंग प्रत्यारोपण, दीर्घकालिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, सिरोसिस, ऊर्जा कुपोषण और डेफेरोक्समाइन थेरेपी शामिल है। इसके बावजूद म्यूकरमाइकोसिस के ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोई स्पष्ट पूर्व निर्धारित कारण मौजूद नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस रोग के निदान में शामिल टिश्यू के बायोप्सी नमूने को लिया जाता है। यदि म्यूकरमाइकोसिस रोग का संदेह है तो बीमारी के तेजी से प्रसार और उच्च मृत्यु दर के कारण एम्फोटेरिसिन बी थेरेपी को तुरंत प्रशासित किया जाना चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी को आमतौर पर संक्रमण के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक चिकित्सा शुरू होने के बाद एक अतिरिक्त 4-6 सप्ताह के लिए प्रशासित किया जाता है। उसके बाद फंगस बॉल सर्जरी के लिए भी इंडिकेट किया गया है। रोग की पुनरावृत्ति के किसी भी लक्षण के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हमने इस वीडियो में सही जानकारी देने की कोशिश की है। कोई भी प्रॉब्लम में डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर का संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ये वीडियो शेयर करके ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं। धन्यवाद।